वर्ल्ड कप 2023 का लीग स्टेज समाप्त हो चुका है। आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने नीदरलैंड को 160 रनों से मात दी। टूर्नामेंट अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ है। सेमीफाइनल के लिए चार टीमें पक्की भी हो चुकी हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें शामिल हैं। इस वर्ल्ड कप में कई हाई स्कोरिंग मुकाबले हमें देखने को मिले, जिसमें बल्लेबाजों के साथ साथ गेंदबाजों की भी घातक गेंदबाजी देखने को मिली। ऐसे में इस वीडियो में जानते हैं लीग स्टेज खत्म होने पर वर्ल्ड कप 2023 के टॉप 5 सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारत के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली का नाम है, जिन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ आखिरी लीग स्टेज मुकाबले में 51 रनों की पारी खेली थी और इस पारी के दम पर वो वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने क्विंटन डिकॉक को पीछे छोड़ा है। कोहली ने अब तक कुल 9 मैच खेलते हुए 594 रन बना लिए। इस दौरान उनका बैटिंग औसत 99 का रहा है, जबकि उनके बल्ले से 2 शतक भी हमें देखने को मिले हैं। इसके बाद साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। क्विंटन डिकॉक ने 9 मैचों में 65 की औसत से 591 रन बना लिए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 4 शतक देखने को मिले हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र हैं, जो वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाने की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। कीवी टीम का ये युवा बल्लेबाज 9 मैचों में अब तक 565 रन बना चुका है और उनका इस दौरान औसत भी 70 के पार करा है और 3 शतक की पारी भी हमें देखने को मिल चुकी है। वहीं चौथे नंबर पर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा का नाम है, जिन्होंने 9 मैच खेलते हुए कुल 503 रन बना लिए हैं। रोहित का इस दौरान औसत 55 का रहा है और उनके बल्ले से 1 शतक देखने को मिला है। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सलामी धाकड़ बल्लेबाज डेविड वार्नर का नाम है, जिन्होंने 9 मैच खेलते हुए 499 रन बना लिए हैं और उन्होंने इस दौरान अपने बल्ले से 2 शतक भी लगाए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट डायरेक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।